आज का डिनर सीन ट्रक के ऊपर भाई साहब, गाड़ी में जो डीजल पड़ता है वो डीजल है, इसमें अगर अभी अगर आग लगाओगे ना तो आग लग जाएगी। सर आज तो भाई साहब हवा बड़ी प्यारी चल रही है, बादल देख रहे हो क्या ही मस्त बादल हो रहे हैं, बस बारिश हो जाए क्योंकि इतने दिनों से साला बारिश नहीं हो रही है। आई गेस 15-20 दिन हो गए भाई साहब यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। बट या अभी जो अभी हवा अच्छी चल रही है तो, और बादल भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आज जो है बारिश हो जाएगी। लेट्स सी भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। और भाई साहब टाइम हो गया 5:20। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर ये मार्किंग है क्योंकि मैं बस अभी मैं लेटा हुआ था, आराम से सो रहा था एक्चुअली में, तो ईयरफोन की वजह से ये मार्किंग पड़ गई है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ मैं शर्ट के कपड़े में डालने के लिए गया हूँ और 23 तारीख को वो वाली शर्ट के कपड़े मुझे, मतलब बेसिकली शर्ट है तीनों मुझे 23 तारीख को मिल जानी थी, नहीं उठा पाया था। तो अभी चलेंगे। और तो भैया आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज का दिन है थर्सडे। और एक जो अभी तक की जो प्रिविलेज थी मेरे पास में, दैट इज़ कि मैं अकेला रहता रूम में, लेकिन नहीं, कल जो है एक मेरा नया रूम पार्टनर आ गया है। देखो मैं उस तरीके का बंदा हूँ जिसको अकेले रहना जिसको पसंद है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट चूंकि मैं पीजी में रहता हूँ तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो यस, कोई बात नहीं, इस चीज़ को अपार्ट मतलब साइड में रखते हैं। तो अभी का सिस्टम ये है कि अभी मुझे निकलना है, बजे हैं एक्चुअली में 6:55 और मुझे निकलना है एक्चुअली में, अभी जाऊँगा तुगलपुर के अलावा जाऊँगा मैं, जगत जाना है मुझे। शर्ट का जो कपड़ा आपको याद होगा बहुत पहले मैं डाल के आया था, मैं अभी तक मैं उठा के लेके नहीं आया हूँ, तो इसलिए वो कपड़ा उठा करके लेकर के आएंगे और तुगलपुर जाकर के आज फाइनली अपनी हम जो है बाइक वॉश करवाएंगे। और सेकंड थिंग इज मतलब थर्ड थिंग इज कि कोई आए हैं तो उनसे भी मिलेंगे चल करके। हाँ आज का वैसे मेरा यार अपॉइंटमेंट था 6 का, बट मैं अपॉइंटमेंट के लिए जा नहीं पाया क्योंकि यार पता है प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं चला जाता यार अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मतलब मैं चला जाता डॉक्टर के पास में, बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे लग रहा था कि आज मेरी क्लास है, ठीक है ना, क्योंकि डेली मेरी अभी टाइमिंग चेंज हो गई तो 5:30 to 6:30 की मेरी क्लास होती है, मुझे लग रहा था कि आज क्लास है, बट थर्सडे एंड फ्राइडे की छुट्टी थी। सो कन्फ्यूजन में जा नहीं पाया, तो अभी जो है ना अपॉइंटमेंट कल का लेंगे और कल जाएंगे अपन डॉक्टर के पास में। किस चीज़ के लिए जाना है वो आपको फिर कल वाले ब्लॉग में बताएंगे ना कि किस चीज़ के लिए जाना है। कल वाले ब्लॉग के लिए भी कुछ कंटेंट चाहिए है ना। हाँ मास्क देखो कैसे मैंने लटका के रखा है। चलो लेट्स गो। फाइनली वॉश हो गई भाई, इसके टायर के इधर मडगार्ड है ना, इसमें सही से मार दी, मिट्टी लगी होगी मडगार्ड के अंदर। हाँ जी सर, हो गए भैया। अरे वो तो यार इसने बंदर वगैरह ने किसी ने मार दिया तो इसकी सीट चेंज करवानी है। चलो इधर आगे यार जरा कपड़ा वगैरह मार दो, इधर इन सब में कपड़ा मार दो और इधर भी मार देना। ये बूंद सी आ रही है ना। हाँ बूंद सी आ रही है बारिश की वजह से, थोड़ा सा कर दो फिर चलते हैं यार। एक तो बारिश आ रही है हल्की फुल्की, नहीं तो तेज आ जाए मज़ा ही आ जाए। चलो वैसा है भाई साहब, अपनी बाइक तो धुल गई, एक काम फाइनली हो गया। इतने टाइम से मैं बोल रहा था बार बार कि धुलवाऊंगा बट आज जा कर के धुल पाई है। चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉपिंग हो गई भैया, हाथ दिखा नहीं सकता इसके अंदर क्या क्या है समझ सकते हो बस। हाँ ऐसा अजीब सा हो रहा है, आई नो कैमरे में नहीं दिखेगा क्योंकि ये फ़ोन का कैमरा है। लेट्स गो। अभी मुझे ज़रा फ़ोन चेक करवाना था, मेरा नहीं जिनसे मिलने के लिए आया था उनका फ़ोन ख़राब था, फ़ोन चेक करवा लिया। अभी ज़रा कपड़े उठाते हैं चल के। चलो लेट्स गो। ये था उनका फ़ोन। भैया कोक है 1 लीटर। आज का डिनर सीन ट्रक के ऊपर भाई साहब, मज़ा ही है। एक बार चलो हार के चले हैं, आप गाड़ी चेंज करो तो तुम्हें गुजरात घुमा रहा मैं। गुजरात चले हैं, अबे मेरे एग्जाम है। एग्जाम कल दिल्ली था। ठीक है एग्जाम के बाद अगस्त में चलेंगे। ठीक है जब इच्छा बताओ। अगस्त में चलेंगे और ठीक गाड़ी कंपनी देख ले हो, बाबरा ट्रांसपोर्ट कंपनी है। हां ठीक गुड़गांव में बताओ दी रोड पे ये टेंपो उतरिया हो। हां देखो उतरिए बात जिम्मेदारी पे।
आए थे नहीं कि हाँ हम तो यहाँ बैठे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जिम्मेदारी जैसे घर के लखन चढ़ाओ जल्द पेट लड़की की या लड़का की बहन भाई की दी की। हाँ हाँ भाई से जिम्मेदारी होती है। तो वो ये मतलब जिसका माल आपने लोड किया है उसका पहुँचाना है। हाँ कैसे भी कुछ भी हो चाहे टाइम माल पहुँचाना रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसकी भी लोगों को लगता है बेटा ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ अच्छी होती, ये होती है ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ। देखो रोड के किनारे खड़े करके गाड़ी खाना बना रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:40 हो गए रात के, उन्हें निकलना है 9 बजे। अभी उसमें सब्जी बन गई है उधर, इधर रोटी बन रही है, फटाफट से ये जो है बना के निकलेंगे। ये गाड़ी है मस्त आराम से ये रोड के हाईवे के साइड में खड़ी करके, ये होती है ज़िंदगी। तेल फैल गया सारा का सारा, ये पूरा का पूरा मिट्टी का तेल है। कह रहा मालिक का फैला है। ऐसे करके भाई सब रोटी बनाई है, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा तेल फैला हुआ है। पानी नहीं है ये मिट्टी का तेल है, इसमें अगर आग अच्छा डीजल गाड़ी में जो डीजल पड़ता है वो डीजल है, इसमें अगर अभी अगर आग लगाओगे ना तो आग लग जाएगी। रोटी बना पाई है फाइनली, ठीक है ना। ये अपनी पानी की बॉटल है। क्या टाइम हो गया है, 9:05 हो गए हैं। तो मेरे वालो भाई साहब यहाँ पे आंधी चल रही है, आंधी में हमने खाना खाया है ये खुले ट्राला के ऊपर। भाई साहब मस्त एकदम हवा चल रही है, अभी खाना खा के हो गया है, इनका भी टाइम हो गया निकलने का क्योंकि 9:30 बज गया है। अपन हेलमेट उठाएंगे और बैग अपने हाथ में, ये इनका बीड़ी और माचिस पड़ा हुआ है, हाँ जो ड्राइवर है उनके साथ वालों का, वो उस साइड में अपनी बाइक खड़ी है और निकलेंगे फटाफट से। दिस इज़ योर APJ। चलो जी हो गया अपना काम। हेलो सर, ये अपनी गाड़ी है, अपना निकलने का टाइम हो गया। चलो जी ठीक। नेक्स्ट डे एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, कल भाई साहब खाना खा मतलब वहां से आने के बाद आते आते मैं सो गया सीधा और मस्त आराम से सुबह उठा, बिल्कुल बीच में नींद नहीं खुली और बढ़िया वाली नींद आई थी भाई साहब। कुछ भी कहो बट देखो पता क्या है, कुछ भी कहो यार, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो भी लॉरी वगैरह जो चलाते हैं भाई, उनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा फक्ड अप होती है। मतलब समझ रहे हो, जिनके साथ मैं था वो रोड पे ट्रक खड़ा हुआ और वहीं पर वो अपने ट्राले के ऊपर बैठ के खाना बना रहे हैं, वो इतनी गर्मी इतनी कैसी कैसी चीजें झेलते हैं। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग यार, कोई एक ऐसा ब्लॉग बनाने के लिए कि लाइक एक पूरा 24 घंटा किसी ट्रक ड्राइवर के साथ में गुजारूं, जो मतलब उसकी राइडिंग वो कैसे कैसे जाता है, कहाँ कहाँ क्या करता है, कैसे कैसे उसकी लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, क्या क्या पूरा प्रोसेस हो उसका, 24 घंटे उसके कैसे गुजरते हैं। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप लोगों को चाहिए कि 24 घंटे मैं किसी ट्रक ड्राइवर के साथ में गुजारूं और वो एक ब्लॉग बनाऊं, देन जस्ट कमेंट डाउन लो कि हाँ बनाओ। और बाकी का मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट करके बता दो कि ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए ट्रक ड्राइवर का।